I begin to गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और आज मैंने सोचा है कि मैं आज प्रॉपर ब्लॉग करूँगी। सो स्टार्टिंग होती है मेरी ये प्यारी सी ड्रिंक से जो कि बन चुकी है और मैं इसको पीऊँगी और बहुत अच्छी है पीने में भी, टेस्ट वाइज भी। एंड मेरी आईज को इग्नोर करना, काली काली हो रही है क्योंकि कल मैंने भर भर के काजल लगा दिया था तो वो ढंग से निकला नहीं है तो आईज़ बहुत ब्लैक ब्लैक हो रही हैं। और साथ में मैं काटूंगी गोभी की सब्ज़ी सुबह मॉर्निंग के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये है, अब इसको कटिंग करते हैं और सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं क्योंकि टाइम अभी हो गया 8:30। शायद आज मुझे मार्केट भी जाना होगा किसी काम से, अगर जाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी एंड आपको पूरे मार्केट एक्सप्लोर करवाऊंगी। सो आज की प्लानिंग तो ये है, बाकी आगे जाके पता लगता है क्या करना है। सो मिलती हूं आपसे थोड़ी देर में। नहा के आ गई हूँ गाइस और नीचे जा रही हूँ थोड़ी धूप लेने के लिए क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना तो हल्की ठंड लग रही है। यानी मेरा काजल अभी तक भी नहीं निकला है, कितना डार्क काजल मैंने यूज़ किया था। सो थोड़ी सी धूप लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर, ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी डिस्कस भी करते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे मार्केट जाना था। सो लेट्स ऑल एंड ये है कान्हा जी का प्रसाद, मतलब कान्हा जी का भोग जो कि रेडी कर दिया मैंने। अब मम्मी लगाई कान्हा जी को भोग। मम्मी जी ये लो भोग लगा दो। और ये रहे हमारे स्वीट से कान्हा जी। अभी हल्की हल्की सर्दियाँ हो गई हैं तो इनको गर्म कपड़े पहना रहे हैं इस टाइम पे। और ये रहा मंदिर। उसके लिए विंटर्स क्लोथ निकाल रही हूँ, वो ट्रंक में रखे हुए हैं अभी। कब तक जाएंगे? एंड ये देखो ये रंगाड़, ये ना हमने सीटिंग अरेंजमेंट बना रखा है। वैसे तो ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर सामान तो मैं निकाल रही थी। एक सूट ये निकाला है मैंने अपना और इसमें सामान है बहुत सारा, ऐसे निकालना पड़ेगा। सब विंटर्स का ही सामान है, इसमें भी विंटर का ही है। तो अभी तक तो मैं सिर्फ आलस ही कर रही हूँ, अब देखती हूँ क्या निकालती हूँ। ये देखो ये दो स्वेटर्स निकाले हैं, सोचा जीन्स पहन लेती हूँ। ये है सोया, मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने बहुत दिनों बाद स्पेक्स लगाए हैं, बहुत दिनों बाद लगाए हैं। और बाल मैं हेयर्स छोड़ रही हूँ, रबड़ बैंड मैंने साथ में ले लिया है, रबड़ बैंड मैंने साथ में ले लिया, अगर बालों को कुछ एडजस्ट करना होगा तो कर लूँगी। एंड मैंने बहुत दिनों बाद स्पेक्स लगाया तो अच्छा लग रहा है। एंड मैंने अपनी आईज़ को भी थोड़ा रेस्ट दिया, आज मैंने कुछ काजल वाजल नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा काजल वगैरह लगा के ना पूरा का पूरा मतलब आईज़ में पेन होने लग गया है मेरे। तो आज के लिए मैंने आज अपनी आईज़ को थोड़ी रेस्ट दी है क्योंकि आईज़ वीक है ना तो ज़रूरी है उनको रेस्ट देना। सो एंड ये वाले शूज़ लेकर आई थी मैं, ते हैं एंड ये भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है। और वेट कहीं जाना हो तो ये खिलारा बेड पे रेडी होने के बाद, ये सब रहता है कपड़े इधर उधर उधर। खैर ये सब मैं आके करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, अभी टाइम भी 1 बज गया है, 1:30 बज गया, फिर 3:30 4 बज जाएंगे हमें आते आते। तो चलो निकलते हैं अभी टाइम से, फिर मिलती हूँ आपको। Thank you.
सो हम लोग पहुंच गए हैं त्रिपुलिया मार्केट जोधपुर की, तो आप लोगों का एक्सप्लोर कराती हूँ कैसी लगती है मार्केट। आओ नहीं थी देखा जाओ तो देखे। भैया सूट्स वगैरह ही मिल जाएंगी? हाँ साड़ी मिलेंगी। अच्छा साड़ी और पोशाक है। दीदी सूट वगैरह भी है क्या? सूट्स वगैरह क्या नहीं मिल रहा? अच्छा वो आएगा रोल अपने थान में संतोष नीचे वाला बॉर्डर ये ऊपर करने का है, वो नीचे वाला है। बीच में नहीं है ये तो पल्ला है, बीच में बिल्कुल नहीं नहीं तो समझ नहीं रही। वो जो भैया अंकल के पास उस साइड है ना वो निचला हिस्सा है वो साड़ी का, उधर नीचे दिखाओ ये वाला ना, ये वाला हरी वाली का दिखाओ। एंड यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी साड़ी, देख रही थी कैसी लग रही है, लेकिन साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट थी ऑर्गेंजा मेरी, और उन्होंने ना जोधपुरी स्टाइल में साड़ी पहनाई है मुझे, तो मैं देख रही थी कैसी साड़ी पहनाई है। सो गाइज आप लोग क्या समझते हो कि मतलब आप लोगों को ऐसी शॉप्स में जाना चाहिए जहाँ पे जिस शॉप्स में ज़्यादा लाइट्स वगैरह लगी होती है ना, मुझे वहाँ पे पसंद नहीं होता जाना, क्योंकि एक तो वहाँ पे ना आपकी आंखों में इतनी लाइट चुभती है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या कलर है चीज़ का, क्या कपड़े का मतलब कलर आएगा बाहर, जब अंदर देखो तो अलग कलर होता है, बाहर हो तो अलग कलर होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने साड़ी पसंद करने के बाद आगे थे हम लहंगा पसंद करने के लिए, तो हम लोगों ने लहंगा भी लिया है और जल्द ही आपको उनको दिखाऊंगी कि कैसा लहंगा लिया हमने। तो अभी आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो हम लोगों ने लहंगा पसंद किया था, प्राइस हमारा तालमोल नहीं बैठा था, हम लोग वापस आ गए, अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, चलो वापस। प्राइस फाइनली हम लोगों ने फाइनली लहंगे ले लिए हैं, लड़ झगड़ के जैसे भी लिए लेकिन ले लिए। तो अभी शाम हो गया, मतलब 3:30 हो गए हैं, हम लोग निकले 1:30 बजे थे, और मेरी लिपस्टिक भी ख़त्म हो गई है, मैंने खा ली है लिपस्टिक, ये मेरी आदत है। सो लहंगे ले लिए, कितनी सारी शॉपिंग हो गई है, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या लेते हैं। गाइस जैसे हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोगों को इतना मार्केट का नहीं पता है, लेकिन बोलते हैं लोग कि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और हम जब भी जाते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कहाँ से निकले कहाँ से जाएं, और जितना हमें पता है हम उतना ही घूम पाते हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग, इनका अलग अलग जगह है हर एक चीज़ की, शूज़ की अलग है, कपड़ों की अलग है, बर्तनों की अलग है। तो राजपूती पोशाक 500 रुपये में। सो यार हम लोगों को इतना पता नहीं है मार्केट का, चलो अभी आगे चलते हैं। ये सब चाहिए आपको? कोई नहीं, जब पापा आएंगे ना पापा दिलाएंगे आपको। नहीं 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 दी, आप छोटे बच्चे हो ना, अभी अभी आप बड़ी हो गए हो। अभी तो मेरे हेयर्स बन चुके हैं। ये बच्चा हमारी गोदी में चढ़ा हुआ है ना, थक गया ना शॉपिंग कर करके हम लोग। तो शॉपिंग हमारी हो गई है डन। भैया तो गुस्सा डेढ़ घंटा की। या गाइस तो पहुंच गए हम घर पे, अभी अभी पहुंचे, 6 बज गए हैं,
और काफ़ी लेट हो गया हमें मार्केट से आते आते हुए। तो हैंडलूम में मैंने ये अपना फ़ोन का कवर भी चेंज करवाया था, देख सकते हो आप। सॉरी ये ऐसे लिया था, पहले मेरा फ्लिप कवर था ना तो उसमें थोड़ा ब्लॉगिंग करने में दिक्कत होती थी, तो ये मैंने लिया, थोड़ा प्रोटेक्शन भी देखा है इसका। और या तो अभी चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद देखते हैं क्या बनाना है डिनर के लिए, अभी वो भी डिसाइड करना बाकी है। तो स्किन डल सी हो गई है बहुत ज़्यादा, है ना? कैसा लग रहा है कवर? मैंने ब्लैक प्लेन में लिया है सिलिकॉन का, ताकि फ़ोन कभी गलती से गिरे तो कोई दिक्कत ना हो, है ना? या एंड बताना आप लोगों को ब्लॉगिंग कैसी लग रही है मेरी, अच्छी हो लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या क्या और कर सकती हूँ, बताना ज़रूर। ओके गाइस, एंड प्लीज़ सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है, हर एक न्यू ब्लॉगर ऐसे ही बोलता है, तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। या दैट्स ऑल। और मैंने जो बेड के ऊपर जो कपड़े थे ना मेरे, वो भी मैंने उठा दिए हैं, ये थोड़ा मेकअप किट है मेरी, ये भी उठा कर रखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। और अभी दो दिन से मैं डाइटिंग पर भी हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि डाइटिंग पर ही हूँ, लेकिन आज बाहर कुछ खा लिया थोड़ा बहुत, लेकिन कल से मैं प्रॉपर डाइटिंग पर जाऊँगी और देखती हूँ कितना वेट लॉस होता है। अगर वेट लॉस होता है तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे वेट लॉस कर रही हूँ अपना। तो एंड अभी क्या है कि सैटरडे संडे है ना, ऑफ रहता है इसका जुम्बा क्लासेस का, तो मैं दो दिन जुम्बा भी नहीं गई हूँ। तो उससे जुम्बा जाने के बाद ऐसा होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करते हो और आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ किया भी है पूरे दिन में, एक्सरसाइज अपनी बॉडी के साथ कुछ तो किया है। तो आज दो दिन तो क्लोज है जुम्बा, तो कल से मैं जाऊँगी दोबारा से, कल मंडे है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी चाय बना लेती हूँ। सो ये देखो आउटर व्यू नाइट का, अभी टाइम हो रहा है 7 और हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ लेडीज गपशप मारती हुई हमारे क्वार्टर की। अभी तक भी दिवाली खत्म नहीं हुई काफी लोगों की ना। सो गाइस, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई YouTube चैनल, एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत संतोष सब्सक्राइब करना लाइक करना अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़। हाँ ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।